हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल एन एक्सपर्ट कल मैंने आपको जो वीडियो कराई थी उसमें मैंने आपको वॉइस चेंज कराया था इट वाज़ फॉर पास्ट परफेक्ट टेंस आज मैं आपको कराऊंगी एक्टिव वॉइस को कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं अगर हमारा सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हमें सेंटेंस दे रखा है वो हमारा फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस है या नहीं तो हमें कैसे पहचान होगी कि हमारा जो गिवन सेंटेंस है वो हमारा फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का है सब्जेक्ट होगा विल या शैल लगा होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और लास्ट में होगा ऑब्जेक्ट जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे ऑब्जेक्ट को हम आगे लेके आएंगे उसके बाद लगेगा विल या शैल इन दोनों में से एक लगेगा जब हम पैसे वॉइस में चेंज करेंगे तो इसके साथ बी लगेगा जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी उसके बाद लगेगा बाय और उसके बाद लगेगा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ये हमारा सिंपल सेंटेंस के लिए रहेगा अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है नोट वाला है तो क्या होगा विल और शैल के साथ नोट लगेगा शुरू में ऑब्जेक्ट आएगा उसके बाद विल नोट या शेल नोट इन दोनों में से एक लगेगा उसके बाद बी उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद लगेगा बाय और सब्जेक्ट अगर हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव है उसके अंदर अगर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो उसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो विल और शेल पहले आएगा उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट उसके बाद बी वर्क की थर्ड फॉर्म और बाय सब्जेक्ट अब हम इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे शी विल डू ए लॉट ऑफ वर्क शी यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट है डू वर्क की फर्स्ट फॉर्म है ए लॉट ऑफ वर्क यहाँ पे ऑब्जेक्ट है अब हमने इसको पेसिव वॉइस में चेंज करना है तो पेसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट आएगा पहले ऑब्जेक्ट क्या है ए लॉट ऑफ वर्क ये आ जाएगा पहले ए लॉट ऑफ वर्क अब विल लगेगा या शेल लगेगा इसके साथ लगेगा विल बी और वर्क की थर्ड फॉर्म ये फर्स्ट फॉर्म है थर्ड फॉर्म हो जाएगी डन बाय और शी यहाँ पे सब्जेक्ट है शी चेंज हो जाएगा हर में ए लॉट ऑफ वर्क विल बी डन बाय हर सेकेंड हमारा नेगेटिव सेंटेंस के लिए है शी विल नॉट सिंग ए सॉन्ग सी यहाँ पे सब्जेक्ट है सिंग यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ए सॉन्ग यहाँ पे ऑब्जेक्ट है जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा ए सॉन्ग उसके बाद विल नॉट या शैल नोट लगेगा ए सॉन्ग के साथ लगेगा विल नाट ए सॉन्ग विल नाट बी सिंग की थर्ड फॉर्म हो जाएगी संग बाय और सब्जेक्ट है शी चेंज हो जाएगा हर में ए सॉन्ग विल नॉट बी संग बाय हर थर्ड सेंटेंस है विल शी स्नैच माय बुक्स यहाँ पे विल सेंटेंस के शुरू में है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस का हम पैसिव वॉइस करेंगे तो विल और शैल सबसे पहले आएगा तो यहाँ पे आएगा विल उसके बाद है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है माई बुक्स विल माई बुक्स उसके बाद आएगा बी और वर्क की थर्ड फॉर्म बी स्नैच की थर्ड फॉर्म हो जाएगी स्नैच्ड बाय और सब्जेक्ट बाय और शी यहाँ पे सब्जेक्ट है चेंज हो जाएगा हर में माई बुक्स बी स्नेश बाई हर अब हम बुक में से कुछ सॉर्ड एग्जाम्पल्स को समझेंगे आई शैल राइट मैनी लेटर्स ये यहाँ पर सिम्पल सेंटेंस है मैनी लेटर्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट है यह आ जाएगा शुरू में बिल्कुल मैनी लेटर्स विल बी रिटर्न राइट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटर्न बाय और आई चेंज हो जाएगा मी में मैनी लेटर्स विल बी रिटर्न बाय मी वी शेल नॉट सिंग टू सॉन्ग्स वी सब्जेक्ट है सिंग वर्क की फर्स्ट फॉर्म है और टू सॉन्ग्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ये यह यहाँ पे नोट लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि नेगेटिव सेंटेंस है जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो शेल या विल के साथ हम नोट लगाएंगे टू सॉन्ग्स ऑब्जेक्ट है ये शुरू में आ जाएगा टू सॉन्ग्स विल नॉट बी सिंग की थर्ड फॉम हो जाएगी संग बाय और वी चेंज हो जाएगा अस में टू सॉन्ग्स विल नॉट बी संग बाय अस विल शी स्नैच माई बुक्स विल माई बुक्स बी स्नैड बाय हर विल शी नोट टीच हर ये यहाँ पर इंटेगेटिव सेंटेंस है तो विल सेंटेंस के शुरू में आएगा और हर चेंज हो जाएगा शी में क्योंकि हर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और ये बन जाएगा सब्जेक्ट विल शी नॉट बी टीच की थर्ड हो जाएगी टॉट बाय और यू यहाँ पे सब्जेक्ट है पीछे आ जाएगा विल शी नॉट बी टॉट बाय यू विल वाई विल शी नॉट पे फाइन ये यहाँ पे डब्ल्यू एच वाला है और इंटेरोगेटिव भी है तो वाई विल एज इट इज रहेगा वाई विल द फाइन यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ये आ जाएगा शुरू में वाई विल द फाइन नॉट बी पेड बाय हर शी चेंज हो जाएगा हर में वट विल यू ईट टू नाइट वट विल एज इट इज रहेगा इसके बाद आएगा वट विल बी ईट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ईटन बाय यू टू नाइट वट विल विल बी ईटर्न बाई यू टू नाइट अब हम करेंगे इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज शी विल डू ए लॉट ऑफ वर्क ये मैंने आपको अभी भी करा है सेकेंड है वाई विल शी नो टेक द ब्रेकफास्ट शी यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट है और ब्रेकफास्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ठीक है तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा Why will as it is रहेगा? Why will the breakfast not be और take की third form हो जाएगी taken. Taken by और she change हो जाएगा her में. Why will the breakfast not be taken by her? जब not वाला sentence होता है तो object जो है हमारा breakfast इसके बाद में not लगेगा. Who will you not Help. जब होम वाला सेंटेंस आएगा तो उसको हम हु में चेंज कर देंगे और अगर हु वाला आएगा तो उसको हम बाय होम में चेंज करेंगे होम का यहाँ पे बन जाएगा हु विल नॉट बी हेल्प की थर्ड फॉर्म हो जाएगी हेल्प्ड बाय यू विच लेसन विल यू रिवाइज विच लेसन डब्ल्यू एच वाला है तो विच वर्ड एज इट इज रहेगा और लेसन इसके साथ जुड़ा हुआ है क्योंकि लेसन नाउन है और विच के साथ ये जुड़ा हुआ है तो ये इकट्ठे ही रहेंगे जब हम इसका पैसि वॉइस बनाएंगे विच लेसन विल बी और रिवाइज के थर्ड फॉर्म में जाएगी रिवाइज्ड बाय यू विच लेसन विल बी रिवाइज्ड बाय यू और इसके बाद लगेगा क्वेश्चन मार्क हु विल रिसाइट दिस पोएम हु चेंज हो जाएगा बाय होम में बाय होम दिस पोएम बी रिसाइटेड और उसके बाद आएगा क्वेश्चन मार्क वैन विल यू थ्रो द बोल डब्ल्यू एच वाला है और बाद में क्वेश्चन मार्क लगा होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ये वैन विल एज इट इज रहेगा द बोल यहाँ पे आगे आ जाएगा वैन विल द बॉल बी और थ्रो की थर्ड फॉर्म हो जाएगी थ्रोन बाय यू यहाँ पे पीछे आ जाएगा यू यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट है और द बॉल यहाँ पे क्या है ऑब्जेक्ट है और थ्रो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जब हम पैसि वॉइस चेंज करेंगे वेन विल द बॉल बी थर्ड फॉर्म हो जाएगी बाय और यू यहाँ पे पीछे आ जाएगा वट विल शी हैव विद टी शी यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट है वट विल बी हैव की थर्ड फॉर्म हो जाएगी हैड वट बी हैड विद टी बाय हर शी यहाँ पे चेंज होके हर बन जाएगा वैन विल द टीचर गिव ए टेस्ट द टीचर यहाँ पे सब्जेक्ट है ए टेस्ट ऑब्जेक्ट है और गिव है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो ऑब्जेक्ट आगे आगे आ गया जाएगा वैन विल एज इट इज़ रहेगा वैन विल ए टेस्ट बी और गिव की थर्ड फॉर्म जो है गिवन बाय द टीचर द टॉय विल बी ब्रोकन बाय द बेबी यहाँ पे बी लगा हुआ है वर्ब की थर्ड फॉर्म है बाई लगा हुआ है तो इसका मतलब ये कैसा सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस है अब हमने इसको किस में चेंज करना है एक्टिव वॉइस में ठीक है तो ये हो जाएगा द बेबी विल ब्रेक द टॉय आई शैल नॉट बी रिब्यूक्ड बाय द टीचर बी लगा हुआ है रिब्यूक की थर्ड फॉर्म है रिब्यूक्ड और बाय लगा हुआ है इसका मतलब कैसा है ये पैसिव वॉइस है ठीक है और हमने इसको कैसे चेंज करना है एक्टिव वॉइस में चेंज करना है तो ये हो जाएगा द टीचर विल नॉट रिब्यूक मी आई चेंज हो जाएगा मी में और वर्क की फर्स्ट फॉर्म आएगी रिब्यूक नोट लगा हुआ है तो विल के साथ हमें नोट लगा देंगे नेक्स्ट टाइम मैं आपको कराऊंगी फ्यूचर परफेक्ट टेंस अगर हमारा सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो हम उसको एक्टिव वॉइस में से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे थैंक यू बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी है, तो लाइक करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें थैंक यू बच्चों